मैं फुटबॉलर थी, अपने स्टेट लेवल पे फुटबॉल खेलती थी, और उसी चांस में जहाँ हम फुटबॉल खेलते थे वहीं एक दिन ये हो रहा था सीआरपी का वो, और वहाँ के जो कमांडेंट, तब मुझे पता नहीं था वो कमांडेंट है, लेकिन किसी ने आके हमारे टीम कोच से बात किया कि अरे हम आपकी लड़कियाँ बड़ी अच्छी हैं, दो चार लड़कियाँ हमें दे दो भर्ती करने के लिए, चाहती हैं कोई भर्ती होना तो बता दो। हमें बताया गया कि आप सीआरपीएफ में जाना चाहते हो, हम तो जानते भी नहीं थे सीआरपीएफ क्या है उस टाइम में, हमने घर पे भी नहीं बताया, और चार पांच लड़कियां एक ही टीम से ऐसे करके भर दिया। इसमें कॉल लेटर आने वाला था, तब मैंने बताया कि, और मैं हॉस्टल में ही रहती थी, वहीं से टीम में जाती थी करने के लिए, ये कोचिंग करने के लिए। फिर बताया, घर में सब बहुत नाराज हुए, लेकिन मेरे भाई वगैरह ने सपोर्ट किया कि ठीक है इसका मन है तो ये जाएगी करके। गांधीनगर गुजरात में हमारी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग पास करके 1996 में हम पास आउट हुए। उसके बाद हमारी फर्स्ट पोस्टिंग श्रीनगर हुई, तो वहाँ उस टाइम 1996 में बहुत ही हालात खराब थे, हर जगह बम फायरिंग ऐसे होते रहते थे बहुत ही। फिर 2001 की बात है, और मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे डिप्लॉय थी, और वहाँ पे 16 जनवरी को आतंकवादी हमला हुआ था, जो उसमें मैं वहीं खली थी, मुझे भी राउंड लगे थे। फायरिंग ख़त्म हो गया और हमें लेने आए, तो मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे लगी हुई है। मैं बोल रही हूँ सर इसको उठाओ इनको लगी है। जो दूसरी दो लड़की थी उसने बोला सर जो बोल रही है उसको खुद लगी हुई है। मैं बोला हाँ मुझे भी, फिर मैं बेहोश हुई थी, तब तक मुझे पता नहीं था मुझे भी लगी है करके। दो हज़ार 2014 में हमने डेयरडेविल टीम, हमारे जो नीतू भट्टाचार्य मैडम हैं और भी हमारे जो डीजी साहब थे, टीम एसिस्टेंट साहब, इन लोगों ने आपस में बताया होगा कि भाई बहुत लड़कियों को कुछ अलग हटके कराना चाहिए, सीआरपी में तो ड्यूटी बहुत ही टफ है, तो कोई कर नहीं सकता, लड़कियाँ ये कर रही हैं यही बहुत है, बट थोड़ा हम अलग देखें ये भी ट्राई करके कि लड़कियाँ कर सकती हैं नहीं कर सकती हैं। फिर हमें बताया, पूछा गया कि भाई कौन है इंटरेस्टेड है बाइक टीम में जाना चाहती है, बाइक चलाना आता हो, तो हम 10 लड़कियां थी। फिर हम वहीं अपने छोटे ग्राउंड में, मिट्टी का ग्राउंड था, प्रैक्टिस करने लगे, गिरते भी थे उठते भी थे, चोट भी लगती थी, फिर भी हमने प्रैक्टिस किया, फिर एक दो शो दिखाया, उनको अच्छा लगा, फिर हमें वही 2 नवंबर 2014 को पहला शो हमने इंडिया गेट पर किया था। उसके बाद तो फिर हमारी टीम की नफरी बढ़ाई गई और अच्छी सी प्रैक्टिस दी गई, अच्छे से हम अपने जनरल ड्यूटी से हटके वो ही करते थे, सिर्फ प्रैक्टिस ही करते थे। फिर अच्छे से प्रैक्टिस करते करते और हमने 2020 में इंडिया गेट पे भी राजपथ पे चल लिया, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। बाइक को एक साथ कोऑर्डिनेशन में लेके और उस पर 37 लड़कियाँ ऊपर चढ़ा के लेके जाना पड़ता है, तो जो एक बाइक या दो बाइक या चार बाइक चलाते हैं उनका अपना हैंडल है, लेकिन जो 9 बाइक को एक कोऑर्डिनेशन में लेके चलना काफ़ी हार्ड होता है। इंडिया का झंडा लेके हम चलते हैं पीछे, तो फ्लैग को भी देखना पड़ता है कि जरा सा भी ना हो और हमारी लड़कियों को भी कोई खतरा ना हो जो हमारे ऊपर बगैर सपोर्ट के चढ़ी हैं। सब यही सोचते हैं कि शायद इन्होंने फिक्स किया होगा बाइक को, एक साथ कैसे चल रहा है, ऐसे सब बोलते हैं मैम आपने कुछ फिक्स तो नहीं किया, हमें देख लो भाई हम तो फिक्स नहीं किए हैं, ये हमारी प्रैक्टिस है, मेहनत है जो हम एक साथ कोऑर्डिनेशन में चलाते हैं।